हेलो स्टूडेंट्स यू स्टार्ट करते हैं हम लोग एम एस जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोग ने सेल रेफरेंस पढ़ रहे थे उसी को आज हम लोग और आगे पढ़ते हैं कि सेल रेफरेंस क्या होता है और वो कैसे काम करता है तो लेट्स ओपन द एक्सेल फ्रॉम द स्टार्ट मेनू जस्ट क्लिक ऑन द एम एस एंड इट विल ओपन ऑन द स्क्रीन दिस इज एम एस एक्सएल टू थाउजेंड टेन जो हम आपको फंक्शन बता रहे हैं ना दैट आर सेम इन टू थाउजेंड सेवन आप टू थाउजेंड सेवन टू थाउजेंड सिक्स इवन इफ यू आर सेम तो कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है कि टू थाउजेंड टेन कर रहे हैं और यू आर इंस्टॉलिंग द टू थाउजेंड सेवन डोंट वरी ठीक है ओके तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में सेल रेफरेंस देखा था जो सेल एड्रेस होता है उसको सेल एड्रेस तीन तरह के होते हैं रिलेटिव एप्सलूट और मिक्सड एक होता है आपका रिलेटिव एड्रेस रिलेटिव सेल एड्रेस एप्सल्यूट एब्सल्यूट सेल एड्रेस एंड मिक्सड सेल एड्रेस ठीक है ये तीन होते हैं इसको थोड़ा सा हम लोग बड़ा कर देते हैं ताकि आपको थोड़ा समझ में आए दिखे स्क्रीन पर हमारी रिलेटिव रिलेटिव एड्रेस जब भी आप देखेंगे वो ऐसे लिखा होगा जैसे हमने लिख दिया इज इक्वल टू ए वन अगर ऐसे करके हमने लिख दिया इज इक्वल टू ए वन और बी वन और सी वन तो ये हमारा रिलेटिव एड्रेस कहलाता है एबसलूट एड्रेस क्या होता है एप्सलूट एड्रेस यहाँ पे जीरो क्यों दे रहा है क्योंकि ये आपको हमने बताया है कि यहाँ पे ए वन में कुछ भी नहीं है इसलिए यहाँ पे वैल्यू जीरो दे रहा है ए वन में जैसे ही आप कुछ लिखेंगे जैसे मान लीजिए आपने लिखा सॉरी तो हमें यहाँ पे लिखना है यहाँ पर आपने मान लीजिए से थोड़ा सा इसको विंडो भी थोड़ी सी साइज बढ़ा देते हैं तो हमें दिखाई पड़े आसानी से यहाँ पर से हमने लिख दिया टू हंड्रेड दिस रिफ्लेक्ट हियर क्यों यहाँ पे हमने इक्वल टू ए वन लिखा है ठीक है अब हमने यहाँ पे लिखा इज इक्वल टू डॉलर ए डॉलर डॉलर साइन आप लगा लेंगे कीबोर्ड से डॉलर ए डॉलर वन ये हमारा एब्सलूट एड्रेस होता है यहाँ पर भी टू हंड्रेड रिटर्न करा ठीक है एक एड्रेस इस तरह से भी हम लिख सकते हैं डॉलर ए वन या ऐसे भी लिख सकते हैं डॉलर ए सॉरी इज इक्वल टू डॉलर ए डॉलर वन ऐसे भी लिख सकते हैं अब हम फॉर्मूले को शो करते हैं यहाँ पे हम फार्मूला में जाएंगे शो फार्मूला यहाँ पर है ये शो फार्मूला फॉर्मूले को हमेशा शो करने के लिए हम यहाँ पे क्या क्लिक करेंगे ये शो फार्मूले पे क्लिक करेंगे और शो फार्मूला कहाँ होता है ये फार्मूला वाले बार में इसमें इस पर क्लिक करेंगे इसमें शो फार्मूला तो जैसे ही शो फार्मूले पे क्लिक करेंगे फौरन हमारा फार्मूला शो होने लगेगा अब हमारा फार्मूला यहाँ पर शो हो रहा है इसको देख लेते हैं शो कहाँ पर हो रहा है फार्मूला थोड़ा हमने दूर लिख दिया है इसको हम यहाँ से कट करके यहाँ ले आते हैं तो थोड़ा सा हमें लिखने में आसानी ताकि हो जाए ये देखिए ये फॉर्मूला हमारा शो हो रहा है तो डॉलर ए वन अगर हमने ऐसे लिखा है डायरेक्टली ए वन विदाउट एनी सिंबल तो ये हमारा रिलेटिव सेल एड्रेस कहलाता है ये एप्सलूट कहलाता है डॉलर ए डॉलर ए वन यानी कि अगर हमने ऐसे लिखा हुआ है ऐसे हम आपको लिख के दिखाते हैं हालांकि इज इक्वल टू से लिखना चाहिए इसको डॉलर सी डॉलर थ्री ये हमारा एप्सलूट सेल एड्रेस होता है ठीक है और अगर हमने ऐसे लिख दिया इस... इज इक्वल टू मान लीजिए इज इक्वल टू है अभी हम इसलिए नहीं लिख रहे हैं कि आपको वो शो नहीं करेगा तो हमने यहाँ लिख दिया डॉलर सी थ्री या सी डॉलर थ्री ये हमारा मिक्सड होता है ये दोनों हमारा मिक्स है ये एप्सलूट है और डायरेक्ट अगर हमने लिख दिया सी थ्री तो ये हमारा रिलेटिव सेलेटेस है अब इसमें फर्क क्या होता है ये हम देखते हैं शो फार्मूले पे हम क्लिक कर देंगे तो ये बंद हो जाएगा देखिए यहाँ बंद हो गया ये इसलिए हुआ कि हमारा यहाँ पर इक्वल टू लगा हुआ इसलिए वो वैल्यू हमारी रिटर्न हो रही है ठीक है अब इसमें फर्क क्या होता है ये समझते हैं ठीक है C3 थ्री करा यहाँ पर हमने लिखा A1 वन तब भी टू हंड्रेड आया यहाँ पे भी टू हंड्रेड यहाँ इसके फर्क क्या है जैसे मान लीजिए कि रिलेटिव में हमने यहाँ पर लिखा टू हंड्रेड और यहाँ पर इज इक्वल टू टू हंड्रेड करा तो ये आ गया ठीक है इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर इसको बढ़ा देते हैं इसको हमने क्या करा सीरीज एक बना दी टू हंड्रेड टू हंड्रेड वन टू हंड्रेड ये देखिए टू हंड्रेड टू हंड्रेड वन टू हंड्रेड टू टू हंड्रेड थ्री टू हंड्रेड फोर ये हमने कर दिया तो ये एक सीरीज जनरेट हो गई ठीक है अब हम यहाँ पर फिर से लिखते हैं यहाँ पर लिखते हैं इज इक्वल टू ए वन ये अगर आपने लिखा तो टू हंड्रेड आ गया ठीक है अब इसी ए वन को अगर हम यहाँ क्लिक एंड ड्रैग कर दें तो क्या आएगा यही टू हंड्रेड वन टू हंड्रेड टू टू हंड्रेड थ्री सारा आ जाएगा टू हंड्रेड टू टू हंड्रेड वन अब देखिए इसको फार्मूला करिए देखिए यहाँ दिखा रहा है इज इक्वल टू ए वन है ए टू है ए थ्री है ए फोर है ए फाइव है ठीक है अब यहाँ पर तो आपका ये आ गया अगर हम इसको ऐसे करते हैं इज इक्वल टू डॉलर ए डॉलर वन तो हमारा आया टू हंड्रेड अब हम इसको क्लिक एंड ड्रैग करेंगे तो क्या आया 200 200 टू हंड्रेड टू फॉर्मूला करेंगे देखिए क्या आया डॉलर एवन डॉलर एवन डॉलर एवन डॉलर एवन मतलब एब्सोलूट एड्रेस में फिक्स वैल्यू ही हमारी आती है इसका रोल कुछ इस तरीके से समझिए जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पे लिखा 20 यहाँ पे लिखा 30 यहाँ पे लिखा 10 ठीक है अब हमको इसको मल्टीप्लाई करना है मान लीजिए यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन है यहाँ टेन है यहाँ टू है, है और यहाँ थ्री अब हमें क्या करना है हमें यह करना है कि ट्वेंटी को टेन से मल्टीप्लाई करना है थर्टी को भी टेन से मल्टीप्लाई करना है और टेन को भी टेन से मल्टीप्लाई करना है यानी इन तीनों नंबर को इन तीनों नंबर को हमको टेन से मल्टीप्लाई करना है तो हमारा फॉर्मूला क्या होना चाहिए इज इक्वल टू दिस मल्टीप्लाइड बाई टी मल्टीप्लाइड बाई टेन दैट मीन्स ट्वेंटी हमारा किस सेल में है बी नाइन में और टेन किस सेल में है सी नाइन में तो अब हम यहाँ पे हमने लिख दिया और इंटर कर दिया ठीक है चूंकि फार्मूला ऑन है इसलिए रिजल्ट नहीं दिखाई पड़ा शो फॉर्मूले को हम ऑफ कर देंगे देखिए यहाँ क्या हुआ ट्वेंटी इंटू टू हंड्रेड इस पर डबल क्लिक करिए बी नाइन इंटू सी नाइन तो बी नाइन और सी नाइन ये मल्टीप्लाई हो गया और हमने इसको इंटर कर दिया तो टू हंड्रेड आ गया अब इसी को अगर हम ऐसे कर दें तो देखिए आंसर क्या आ रहा है थर्टी इंटू टू हो गया सिक्सटी आ गया

बी uh, टेन हो जाएगा फिर बी हो जाएगा इसी तरह सी नाइन का सी टेन हो जाएगा और सी इलेवन हो जाएगा जैसे यहाँ हो गया देखिए बी टेन सी टेन एड्रेस समझना ज़रूरी है अगर आप एड्रेस समझ लेंगे तब आपको सेल रेफरेंस क्लियर हो जाएगा अब यही चीज़ हम जो है आपका वो करते हैं ठीक है अब हमें क्या करना था हमें ट्वेंटी को भी टेन से मल्टीप्लाई करना है थर्टी को भी टेन से मल्टीप्लाई करना है तो थर्टी को, 10, यहां 300 और 10 को 10 से से आता और को मल्टीप्लाई करते हैं आता अब ये कैसे होगा यानी कि हमारी बी नाइन से बी टेन हो जाए बी नाइन बी टेन बी इलेवन इसको मल्टीप्लाई करना किससे है सी नाइन से ठीक है तो यानी कि सी नाइन हमेशा सी नाइन रहे तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे एप्सल्यूट एड्रेस यानी कि सी के पहले डॉलर लगाएंगे और सी के बाद डॉलर लगाएंगे अब देखिए क्या होगा अब हम इसको क्लिक एंड ड्रैग करेंगे तो क्या होगा हो गया रहा है देखिए अब यहाँ पे इसको डबल क्लिक करिए B9 का मल्टीप्लिकेशन C9 से हो रहा है B10 का मल्टीप्लिकेशन C9 से हो रहा है और यहाँ पर क्या हो रहा है सॉरी यहाँ पर क्या हो रहा है B11 का मल्टीप्लीकेशन C9 से हो रहा है तो एप्सोलूट सेल एड्रेस यूज करने से क्या हुआ ये वैल्यू हमारी फिक्स हो गई इसी को उठा रहा है अगर हमने रिलेटिव लिखा था तो यहाँ पे क्या हुआ था टेन इंटू थ्री हो गया था ठीक है तो ये हो गया हमारा एप्सुलूट डिफरेंस क्लियर है अब मिक्सड का कहाँ रोल होता है मिक्सड का रोल ये है कि इसमें क्या होगा कि सेल बदलती जाएगी हम्म hmm. और हमारा जैसे मान लीजिए कि हम चाहते हैं कि यहाँ पर यहाँ पे थोड़ा सा ये डेटा हटा देते हैं ठीक है ये डेटा हमने हटा दिया अब हम चाहते हैं कि ऐसे कुछ हमारा हम फार्मूला ऐसे लिख रहे हैं इसको ठीक है यहाँ पर हमने लिखा टेन ट्वेंटी थर्टी फोर्टी ठीक है और यहाँ पे लिखा हमने यहाँ पे लिखा वन यहाँ पे लिखा टू यहाँ पे लिखा थ्री यहाँ पे लिखा फोर मान लिया चाहते हैं कि इस टेन का मल्टीप्लीकेशन वन से हो फिर इस टेन का मल्टीप्लीकेशन टू से हो फिर इस टेन का मल्टीप्लीकेशन थ्री से हो फिर इस टेन का मल्टीप्लीकेशन फोर से हो यानी कि देखिए रो नंबर सेम है नाइन है नाइन को हमें फिक्स करना है और कॉलम का जो नाम है सी डी ये वाला कॉलम कौन सा है सी नाइन है ये डी नाइन है ये ई नाइन है ये f9 है तो c d e f यानी कॉलम नेम तो चेंज होगा लेकिन c9 रो का नंबर 9 है d9 रो का नंबर 9 है e9 रो का नंबर 9 है f9 रो का नंबर 9 है 9 को हमें फिक्स रखना है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे is equal to ये कौन सा सेल है यह है b10 b10 का मल्टीप्लिकेशन कर दो किससे b10 का मल्टीप्लिकेशन कर दो

थर्टी आना चाहिए सिक्सटी आ गया ये कैसे हुआ इसको डबल क्लिक करिए देखिए क्या हो गया यहां जब हमने इसको click and drag करा, इसको करा करा तो यहाँ पर क्या हो रहा है जैसे ही click and drag करेंगे ई टेन तो ई टेन मल्टीप्लाइड बाई सी नाइन फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा एफ टू एफ टू में क्या होगा एफ टू में क्या होगा एफ टू में जो लिखा हुआ है दैट इज देखिए में क्या ई टेन मल्टीप्लाइड का कि पर पर आंसर आ गया हमारा 240. इसको सही कैसे करें यहां पर हम यूज करेंगे mixed cell reference का क्या यूज करेंगे कि B10 हमारा fix रहे। तो इसको हम एब्सोल्यूट सेल एड्रेस कर देंगे इसके लिए आप कीबोर्ड से F4 दबाएंगे ना तो दोनों तरफ डॉलर डॉलर लग जाएगा देखिए डॉलर B के पहले भी लग गया 10 के पहले भी लग गया ये हमारा एब्सोल्यूट हो गया और इसमें हमें किसको फिक्स करना है इसमें हमें करना है रो uh, नाइन को फिक्स करना है तो नाइन के पास हम डॉलर लगा देंगे यहाँ पे सिर्फ हम डॉलर सिंबल लगा देंगे करते हैं क्लिक एंड ड्राइक आप देखिए कुछ सही हुआ टेन वन जन टेन टू ज ट्वेंटी टेन थ्री जा थर्टी टेन फोर जा फोर्टी अब इसी को अगर हम यहाँ पे लिख दें 5, 6, 7, 8, 9, और ये लिखा 10. अभी ये बना दी हमने इसी को आप क्लिक कर दीजिए तक तो देखिए एकदम सही आया लेकिन अगर हमने यहाँ पर एप्सोलूट सेल एड्रेस नहीं यूज करा होता हमने सिंपली अगर ये करा होता टेन मल्टीप्लाइड बाई वन सॉरी टेन मल्टीप्लाइड बाई वन यानी कि बी टेन मल्टीप्लाइड बाई सी नाइन तो क्या आएगा आंसर यहाँ तो सही आ गया टेन वन जेन अब इसी को हमने क्या करा क्लिक एंड ड्रैग पेस्ट कॉपी पेस्ट होता है ये कॉपी पेस्ट कर अब देखिए टेन टू ज ट्वेंटी तो हुआ ट्वेंटी कैसे आया क्योंकि टेन को मल्टीप्लाई करा इस टेन को मल्टीप्लाई करा टू यानी कि ये जो सी जो बी बी टेन थी ये सी टेन हो गया और यहाँ पर क्या हो गया यहाँ पर C10 को मल्टीप्लाई करा D10 देखिए C10 हो गया यहाँ पर और यहाँ पर क्या हो गया यहाँ पर d10 हो गया यहाँ पे क्या हो गया यहाँ पे e10 हो गया तो हम यहाँ पर क्या करेंगे यहाँ पर हम करेंगे कि हमारा जो ये वाला है 10 ये फिक्स हो जाए तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे uh, keyboard से f4 दबा देंगे शॉर्टकट कीज होता है एड्रेस बनाने के लिए और इसमें हम क्या करेंगे रो को फिक्स कर देंगे तो रो के पहले हमने डॉलर लगा दिया और एंटर कर दिया अब इसको क्लिक एंड ड्रैग करेंगे देखिए हमारा आंसर सही हो जाएगा हो गया सही अब इसी को अगर हम इधर कर दें यहाँ पर तो क्या होगा ये तो आ गया टेन वन टेन, टेन ये, अब यहां पर क्या होना चाहिए यहाँ पर ये होना चाहिए कि हमारा ये जो बी है ये तो बी रहे हम्म लेकिन हमारा ये वाला कौन सा सेल हो जाए ये यहाँ पर टेन टू ये हो जाए हमारा बी इलेवन यानी कि इसमें हमारा ये जो टेन है ये हमारा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। यहां से हमें एक दोनों को एप्सलूट कर दिया था यहाँ पे अगर यहाँ पर हमने डॉलर जैसे ही हम डॉलर लगाएंगे साइन देखिए क्या हो रहा है एप्सलूट एड्रेस में हो क्या रहा है कि ये वैल्यू सेम है यानी कि टेन वनजर टेन यहाँ पे जब क्लिक एंड ड्रैग करेंगे तो बी टेन हमेशा बी टेन ही रहेगा और सी नाइन से हो जाएगा और डी नाइन से हो जाएगा C. तो यहाँ पर हो क्या रहा है यहाँ पर हो ये रहा था इसको कॉपी पेस्ट करेंगे तो हमारा टेबल क्या आएगा आ जाएगा देखिए फिर इसी 10 को अब यहां पर क्लिक करिए पर क्या हो रहा है B10, C9 से यहाँ क्या हो रहा है बी टेन सी नाइन से मल्टीपल हर बार यही हो रहा है इसी को कॉपी पेस्ट कर दे रहा है फॉर्मूले को तो हम यहाँ पे इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा रिलेटिव सेल एड्रेस यूज करना पड़ेगा किस चीज़ के लिए के हमारा बी का बी टेन का यानी कि टेन इलेवन हो जाए बी इलेवन हो जाए यानी कि यहाँ पर हमें किसे फिक्स करना है सिर्फ कॉलम को फिक्स करना है रो को फिक्स नहीं करना रो चेंज होती रहे अब देखिए क्लिक एंड ड्रैग अब सही आ गया ठीक है अब इसी को हमने यहाँ पर ये क्लिक एंड ड्रैग इधर करा और इसी को हमने पूरा क्लिक एंड ड्रैग इधर करा अब देखिए पूरी टेबल तैयार हो गई हमारी कोई भी देख लीजिए सब सही है जैसे ये वन एट्टी है तो थर्टी सिक्स आएगा बिल्कुल सही सारा बिल्कुल सही है थर्टी टें थ्री हंड्रेड फोर्टी फोर्टी टें फोर हंड्रेड अब ये फोर हंड्रेड किससे और इससे आ रहा है ठीक इस इस है ठीके? इसको भी आप प्रेसिडेंस एक होता है ट्रेस प्रेसिडेंस वो आप कर सकते हैं कैसे होता है वो यूज हम बता देते हैं आपको ऐसे यह ये है यहाँ पे क्लिक करा ये ट्रेस प्रेसिडेंस कर दीजिए आप देखिए तो ये ट्रेस प्रेसिडेंस है बहुत अच्छा इसका फंक्शन बहुत अच्छा है ये ये हमने आपको ये बताया ट्रेस प्रेसिडेंट्स ये बता रहा है कि जो है है ये किन-किन को जोड़ करके बनी है। तो इसका ये, dot देखे, इसका ये वाला डॉट देखिए आप और इसका ये वाला डॉट देखिए मतलब कि ये बना है इस फोर्टी और इस टेन के मल्टीप्लीकेशन से ये बना है ठीक है ट्रेस डिपेंडेंट एक था ट्रेस प्रेसिडेंट्स प्रेसिडेंट्स हो गया और एक है प्रेसिडेंस और एक है ट्रेस डिपेंडेंट यहाँ पर देखिए दूसरा क्या है इसको कैसे करेंगे ए, ये ये वाला कैसे करेंगे देखें इसमें एरो उल्टा हो जाएगा बस एरो सिर्फ उल्टा होगा देखिए यहाँ पे इसको क्लिक करिए कमांड फाउंड नो फॉर्मूला दैट रिफर्स टू द एक्टिव सेल अच्छा यहाँ पर जाइए और ट्रेस डिपेंडेंट कर दीजिए तो ये बता रहा है ये देखिए ट्रेस डिपेंडेंट क्या है ये इस पर डिपेंडेंट है ये इस पर ये इस पर ये इस पर ठीक है ऐसे यहाँ पर आप क्लिक करिए ट्रेस डिपेंडेंट बता दी ये यहाँ 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 बता रहा है यहाँ से यहाँ किसी पे भी, भी आप लगा कर ट्रेस डिपेंडेंट कर दीजिए तो वो अगला वाला बता देगा आपको कहाँ से है ये इस पर है इसके लिए आपको टॉप सेल पे जाना पड़ेगा टॉप सेल पे हमेशा रख के ये ट्रेस डिपेंडेंट मतलब एक आपको वो बता देता है कि हाँ कहाँ से आपको एरो तो ट्रेस आपका ये वाला भी कम्प्लीट हो गया टॉपिक ट्रेस प्रेसिडेंट रिमूव ये वाला क्लियर है ये हमने आपको बता दिया इससे ये हो जाता है कि कहाँ से कहाँ किस आ, उस पर जो है ये वर्क कर रहा है ठीक है जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हमने सॉरी यहाँ पर हमने दो तीन वो ले लिए नंबर ले लिए और इसको हमने ऐड कर दिया मान लीजिए ये हमने ऐड कर दिया यहाँ होम पे हम गए इंसर्ट फॉर सॉरी फॉर्मूले पे गए सम कर दिया तो यहाँ पे ये ऐड हो गया अब ये हमें निकालना है कि ये जो ये नंबर्स हैं ये नंबर डिपेंडेंट किस पर है तो यहाँ पर हमने टेस्ट डिपेंडेंट कर दिया देखिए बता रहा है दिस नंबर इज़ डिपेंडेंट ऑन दिस ये यहाँ से इस पर जुड़ा हुआ है ठीक है

C3, G3 और P3 और इंटर कर दिया है अब ये एक सौ तैस ऐसे पूरे में आपके बहुत सारे नंबर लिखे हैं मान लीजिए यहाँ पे बहुत सारे नंबर लिखे हुए ठीक है ये नंबर हम यहाँ पे लिख देते हैं ऐसे ये नंबर हो गए यहाँ पर ये सब नंबर हमने मान लिया बहुत सारे नंबर लिख दिए हमने यहाँ पर सही है अब थोड़ी देर के बाद क्या होगा कि हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये जो 130 है ये वाला वन थर्टी में जुड़ा कौन सा हम देखना चाह रहे हैं कि इतने नंबर है? और तो पहले तो तीन ही नंबर लिखे थे अब तो बहुत सारे नंबर हो गए तो कौन सा है तो ये इसके लिए आप ट्रेस डिपेंडेंट कर दीजिए तो तो सेल सेल uh, और कौन सी पी थ्री ये यहाँ पर इस पे, ये वाली सेल इस पर डिपेंडेंट है देखिए बता रहा ना ये क्लियर है ये रिमूव एरो कर दीजिए यहाँ पे रखिए ये बताया कि ये किस पर किस पर है यहाँ पे आपने ट्रेस प्रेसिडेंट कर दिए इस है ठीक है या आपने रिमोवेर वगैरह आपका सी थ्री था ना रखा है कि ये किसी पे डिपेंडेंट है ट्रेस प्रेसिडेंट तो बताएगा और ट्रेस डिपेंडेंट बताएगा कि ये वाली सेल इस पे डिपेंडेंट है ठीक है ये यहाँ पर आप आइए यहाँ पे रखिए नहीं बताएगा ट्रेस डिपेंडेंट नॉट फॉर नो फॉर्मूला तो किसी भी नंबर को यहाँ पे रखा अब किसी और पे जिस, पे, जिस पे है वही बताएगा जैसे इस पे ये ये किसी में इसमें यूज नहीं हुआ है तो so, नहीं बताएगा लिख के आ जाएगा तो आई होप कि आपको समझ next topic, next में आएगा इसको प्रैक्टिस करिएगा बाकी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में Okay, that's it. Thank you.